الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. मेरे भाइयों दोस्तों और साथियों, खतरनाक कैदी आज का उनवान है, खतरनाक कैदी। आज उसका मुख्तसर सा जायजा पेश किया जा रहा है और इसके जुर्म की हकीकत नुमाया की जा रही है। इसकी हलाकत खेजियाँ बहुत ही ज़्यादा हैं और ये दो जबड़े के बीच और दोनों होंठों के बीच है और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। इसीलिए अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा था, वल्लज़ी ला इलाहा गैरो, वो माबूद जिसके अलावा किसी की इबादत नहीं की जाती है, मा अलल अर्द शेउन अहवज इला तूल सिजनिन मिन लिसान, ज़बान से ज़्यादा कैद की ज़रूरत किसी भी चीज़ को नहीं है। मालूम ये हुआ कि ज़बान सबसे ख़तरनाक कैदी है, क्योंकि दो जबड़ों के बीच है और दोनों होंठों के बीच है, लेकिन इसकी ख़तरनाकियाँ सबसे ज़्यादा हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलियकुल खैरन औ लियसमुत, तुम में से जो कोई भी अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि भली बात करे या खामोशी इख्तियार करे। मेरे भाइयों दोस्तों और साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों में से अजीम तरीन नेमत इंसान के ऊपर ज़बान है और ये ज़बान ही दिगर हैवानात से और दिगर जानवरों से मुमताज़ करती है, ताकि अपने एहसासात का इजहार कर सके और अपनी चाहत का इजहार कर सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनामात में से इसको गिनाया है और फरमाया, अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफतैन, क्या हमने इंसान को दोनों आंखें नहीं दी हैं और ज़बान नहीं दिया है, दोनों होंठ नहीं दिए हैं। और याद रखो मेरे भाइयों दोस्तों और साथियों, ज़बान को हरकत देना सबसे ज़्यादा आसान है, लेकिन इसके अज़रार और नुकसानात भी सबसे ज़्यादा हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान पकड़ के और कहा मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु से, कुफ़ अलैक हाज़ा, इसको कंट्रोल में रखो। फ़क़ाल, मुआज ने कहा, या रसूलल्लाह व इन्ना लमुआखज़ून बिमा नतकल्लम बे, क्या हम जो बोलते हैं उसकी पकड़ होगी। क़ाल सकलतक उम्मुक या मुआज, वहल युकब्बु अन्नासु फिन्नार अला वुजूहिहिम इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम, मुआज तुमको इतना भी मालूम नहीं अक्सर लोग जहन्नम में औंधे मुंह क्यों डाले जाएंगे, अपनी ज़बान की गलतियों की वजह से, ज़बान की लफ्जिशों की वजह से। और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए और वो अपनी ज़बान को पकड़े हुए थे और कह रहे थे, हाज़ा अल्लज़ी औरदनिल मवारिद, इसी ने हमको हलाकत खेजियों का सामना करवाया है। फ़ैज़ा कान अल अंबिया व सहाबा यखाफून मिन ख़त्र लिसान, अंबिया किराम और सहाबा किराम ज़बान की लफ्जिश और ज़बान की ख़तरनाकी से डरा करते थे। तो जो शख्स आज रात दिन बदगोई करता रहता है वो कैसे नहीं डरेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जब भी आदमी कुछ बोलता है उसको कैच किया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसलिए मेरे भाइयों ज़बान को कंट्रोल करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना रजुल लयतकल्लम बिल कलिमा मा यरा बिहा बासन यहवी बिहा फिन्नार सबईन खरीफन, आदमी जब कोई लफ्ज बोलता है तो बिल्कुल लापरवाही के साथ बोलता है, हालांकि वही बोल वही कलमा उसे 70 साल जहन्नम की आग में डाल देता है। और जो आदमी अपनी ज़बान को अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र में मशगूल रखेगा
वो बहुत ही ज्यादा महफूज रहेगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु लिसानुक रत्मन मिन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हारी जबान पर हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र होना चाहिए। मेरे भाइयों, यही वो कैदी है जो सबसे खतरनाक है, सबसे डेंजरस है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हुए अपनी जबान को कंट्रोल में रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल खैरन औ उस्कुत अंसु इन तस्लम व इल्ला फअलम अन्नक सतंदम। देखा कि नदामत और शर्मंदगी का सबब यही जबान की लग्जिश है। जबान को कंट्रोल में रखें और अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र खैर करें, इससे अपनी दुनिया भी संवर जाएगी और आखरत में भी नजात मिल जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही तौफीक देने वाला है। اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين.